फिट नहीं किया अभी बाइक पे क्यों किया है टंकी फेंक के होश उड़ जाने चुप के तुम हराम थी वैसे वेट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। एक नई वीडियो के साथ जी हम दोबारा से अपने चैनल पे आ गए हैं। सबसे पहले बाइक को है जी वॉश की ज़रूरत, पूरी बाइक हम वॉश नहीं कर रहे, सिर्फ टायर वॉश करेंगे, टायर ही ख़राब है, बाकी सारी बाइक हमारी ओके खड़ी है। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, सही है ना। तो जो है ना टाइम हो रहा है तकरीबन रात के 10:30 हो रहे हैं, सही है। अब बाइक को हम वॉश करते हैं, वॉश करके उसके बाद जो है ना इसे साइलेंसर फिट करते हैं, इसके काम शाम जो है वो निपटाते हैं, उसके बाद इसकी प्यारी प्यारी सी वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि घर ये मैंने वीडियोस बनानी होती हैं, सही है। बाहर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, सारा दिन दुकान पे बिजी रहो। आधे घंटे का चैलेंज अपने माइंड में एक बनाया कि मैंने आधे घंटे के अंदर इसके साइलेंसर भी फिट करना है, इसे वॉश भी करना है, सही है, इसकी हेडलाइट का रिम भी चेंज करना है, हेडलाइट मुकम्मल ब्लैक करनी है, सही है, पिछली टेक लगानी है, मुड़ गार्ड डाउन करना है, बाइक को एक दफ़ा थोड़ी सी लुक चेंज करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम इसे ब्रैकेट लगा देंगे, बाइक और हमारी पप्पू हो जाएगी। लेकिन एक दफ़ा जो है ना मैंने जैसे 24 ब्लैक किया था ना, उसी तरह इसे लुक देना चाहता हूँ, फुल ब्लैक, फुल माफिया स्टाइल की। एक शाख अगर ब्लैक करनी पड़ी तो वो भी कर देंगे। सारे औजार सारा सामान मैं दुकान से उठा के ले आया हूँ, सही है ना। ये शुक्र है कि जो है ना मेरे पास औजार शुजार हर चीज़ अवेलेबल होती है, और मैं खुद भी इतना बहुत काम कर लेता हूँ, नहीं तो बाइक मुझे निकालनी पड़नी करनी थी कहीं ले के जाओ जी। आप कंडीशन पे आए तो आप देख सकते हैं टैंकी हमारी लाश खड़ी है, सही है। जब से मैंने बाइक ली है इसकी टैंकी के ऊपर मैंने कपड़ा नहीं मारा, इसे बाइक की ना टैंकी की आप शाइन चेक करें, बिल्कुल जेन्युइन खड़ी है। आप भी अपनी बाइक न्यू वाली बाइक जो भी है ना किसी बाइक की, ब्लैक कलर है, रेड है, रेड तो फिर भी थोड़ी बहुत मार सह जाता है, लेकिन जो ब्लैक है ना वो बिल्कुल भी नहीं। ब्लैक के ऊपर आप चाहे फुल न्यू टावल वाला भी कपड़ा ले लेना, जो डबल प्लाई में होता है माइक्रो फाइबर वाला, वो भी आप ऐसे करके रगड़ेंगे ना तो स्क्रैचेस नीचे स्विल्स पड़ जाते हैं, इसके आप चेक करें, कहीं पर भी आपको जो है ना वो स्विल्स नहीं नज़र आएंगे। इसकी जो जेन्युइन लुक है ना वो ही नज़र आएगी। मड़गाड़ भी ऐसे ही है, सही है ना। मेन चीज़ें यही होती हैं, अगला पिछला माड़ी गार्ड और टैंकी, बाकी सीट पे आप चाहे मट्टी वाला कपड़ा भी रगड़ दोगे ना सीट को कुछ नहीं होना, ना मीटर को कुछ होना है, ना हेडलाइट को कुछ होना है, ना ही साइलेंसर को कुछ होना है, पॉलिश मारो फिर न्यू है, सही है ना। Everybody knows that I'm breaking down, everybody knows I ain't faking now, everybody knows my heart's faking now, yeah she hates me now, I made mistakes but now, I don't ever wanna be alone, I don't really ever feel at home, on my own, in the zone, that's the only way I know, feeling low, about to blow back up, here I go. I won't ever let the doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin, I don't think I'll ever let you in, easier to break it off best friends, I don't really understand myself, I don't really understand, need help, I don't wanna be left on the shelf, couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. फ्रंट लुक अब देख के ना तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि इसकी मैं हेडलाइट ब्लैक करूँ, नहीं तो मेरा जो माइंड था ना वो ये था कि मैं इसके फ्रंट मोनोग्राम उतार दूंगा, ये जो रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं शाखों पे ये उतार दूंगा और फ्रंट लुक जो है ना वो फुल हैवी कर दूंगा। लेकिन जो है ना वाइट साइलेंसर के साथ सिंपल बाइक क्या लग रही है यार, इस पोज से आप चेक करें, बस चेक करें, दिल कर रहा है कि इसकी फ्रंट लाइट को ब्लैक करूँ यार, ये जो है ना शस करा रहा है। If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. ऑफिस आया हुआ था, मैं एक पार्सल डिलीवर करवाया है, सही है। तो अब जो है ना जा रहे हैं दुकान पे, जाके देखते हैं आगे ज़िंदगी में क्या आया करने को। रात जो है ना वो हमारे
टापे तो रैप हो नहीं पाया, लेकिन जो टापा सिद्धू वाला रैप हुआ पड़ा था ना, मैंने वैसे ही फिट कर दिया था। तो आज कोई न्यू टापा ढूंढते हैं, टेंटर के पास चलता हूँ, उधर से जाके कोई न्यू टापा ढूंढता हूँ, फिर देखते हैं कि उन दोनों स्टिकर्स में से कौन सा स्टिकर हम लगाते हैं टापे पे। ये होगा टैंकी फेंक के होश उड़ जाने। अच्छा जी, तो तुसी की कारागरी लाई नवी? बटे पाए टैंकी केड़ी बेकार दी ते नहीं है? पत्री तो ठीक है, जन्म जगह ते ही है। टापे भी तैयार हो गए? किन्ने दा सेट? टैंकी दा वजन जैक था। सही है, जबरदस्त है टैंकी, सोहनी बनी हुई है। किन्ने ही दोगे? अच्छा टापा टापा दो बैटरी साइड दा एक सानू। क्या बात। अच्छा सानू टापा तो दो बैटरी साइड का एक बगैर पेंट तो। ये तो दूसरी साइड का है, बैटरी साइड का चाहिए। तो अब मैं ये स्टिकर पेस्ट कर देता हूँ फाइनली, इसकी जो है टापे को रैप कर देते हैं, फिर देखते हैं इसकी क्या लुक निकलती है। भाई कमीज वाले को कुछ चस नहीं करवा रही इसकी लुक जो है ना, इसका मडगार्ड ऊपर कर देते हैं, क्योंकि जब से मैंने वाइट साइलेंसर लगाया था ना तो फिर मैंने मडगार्ड नीचे कर दिया था, लेकिन अब जो है ना मज़ा नहीं आ रहा। मडगार्ड ऊपर करते हैं, बैक लाइट थोड़ी सी डाउन करते हैं, शायद ये बैक लाइट का कवर मैं रेड लगा दूँ। तो जो है ना वाला टापा मैं घर ले आया था, सही है, लेकिन मैंने फिट नहीं किया अभी बाइक पे, क्योंकि अभी से ब्रैकेट लगानी है। तो जो है ना ये व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के फिर ये टापा फिट करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ब्रैकेट भी फिट करेंगे सही है, और जो इसकी मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत स्टिकरिंग और करवाएंगे। तो जो है ना मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो भाई को याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।